देश के विख्यात हस्तशिल्प सीपीओ के उत्पाद कशीदाकारी, बनारसी जरी, लखनवी चिकन वर्क, चंदेली व ढोकला शिल्प सहित आकर्षक बहुउपयोगी सिल्क सामग्री का एक साथ छत्तीसगढ़ सर्वजन विकास समिति द्वारा आयोजित क्राफ्ट बाजार 2023 का 10 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन और विधायक अरुण वोरा ने फीता काट कर शुभारम्भ किया। कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रायोजक व छत्तीसगढ़ सर्वजन विकास समिति राजनांदगांव द्वारा आयोजित 18 से 27 फरवरी तक दुर्ग के गोंडवाना परिसर में 10 दिवसीय क्राफ्ट बाजार 2023 का मेला लगाया गया है, जिसमें अखिल भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा वस्त्रों की भव्य प्रदर्शनी सहित सह विक्रय को लेकर लगभग 70 स्टॉल लगाए गए हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस अवसर पर क्राफ्ट बाजार 2023 के उद्घाटन सत्र में पहुंचे छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन व विधायक अरुण वोरा ने फीता काट कर विधिवत गोंडवाना परिसर में लगे स्टॉल का जायजा लिया और महंगे हाथ से बने कारीगरी का अवलोकन किया। फरवरी से 27 फरवरी तक गोडवाना भवन सिविल लाइन जेल रोड दुर्ग समय प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक इस इधर का बस्तर से कालीन से वुड क्राफ्ट और भी अनेक प्रकार की वैरायटी उपलब्ध है। सभी वैरायटियों में उपलब्ध है, रेट भी कम, क्वालिटी भी जबरदस्त। साथ ही ये फायदा लोगों को होगा, जो यहाँ पर उत्पाद रखे गए हैं उससे लेने के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, रायपुर, बिलासपुर और उससे भी आगे दिल्ली, तो वो सब हमारे दुर्ग शहर में यहाँ पर भावेश बुद्धदेव के द्वारा लगाया गया है क्राफ्ट बाज़ार। वो अपने आप में एक अनोखा और अनूठा है और अभी देखिए आज तो इसका शुभारंभ हुआ है और शुभारंभ के अवसर में ही लोग इतने संख्या में दिखलाई दे रहे हैं, तो जैसे जैसे इसकी अवधि बढ़ेगी लोगों में एक मन में भावना आएगी कि हमको हमारे छत्तीसगढ़ की, हमारे देश की जो परंपरागत चीज़ें हैं उसका उसको हमको अपने पास रखना चाहिए, ताकि जो दूर से बाहर से लोग आते हैं वो देखें तो उनके मन में ये बात आए कि कितनी सुंदर। अभी आप देखिए प्रतिमा सागर जी ने जो बनाया है वो देखिए अपने आप में एक अनूठा है। देश की विख्यात हस्तशिल्प सीपीओ के उत्पाद कशीदाकारी, बनारसी, जरी, लखनवी चिकन वर्क, चंदेली व ढोकला शिल्प, कास्ट शिल्प, बांस शिल्प तथा अन्य आकर्षक बहुउपयोगी सिल्क सामग्री के साथ सजा है गोंडवाना भवन। क्राफ्ट बाजार में विभिन्न सामग्रियों के साथ इस बाजार को सजाया गया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सर्वजन विकास समिति के भावेश बुद्धदेव ने बताया कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना के साथ ही पिछले 19 वर्षों से लगातार आम जनों तक सीधे कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादन को क्राफ्ट बाजार के माध्यम से संपर्क कर पहुंचाया जा रहा है। इस बार इसमें एससी के 21 व जनरल के 49 स्टॉल बनाए गए हैं। वहीं अर्चित कुमार सहारे एडी जगदलपुर व एआर देवांगन एचपीओ जगदलपुर के मार्गदर्शन में क्राफ्ट बाजार 2023 का शुभारंभ किया गया है। बहुत ही अच्छा आयोजन है, यहाँ पर भारत सरकार द्वारा और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिस प्रकार से ग्रामीण उद्योग हस्तशिल्प को रोजगार के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है और जिस प्रकार से इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है वह काबिले तारीफ है। भाई भावेश बुद्धदेव जी के द्वारा जो यह प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें पूरे देश से हमारे शिल्पी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हमने यहाँ पर देखा कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है देश का जहाँ के यहाँ शिल्पी ना पहुँचे हो। सभी लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रतिभा के प्रदर्शन के साथ साथ इन्हें इससे कुछ आमदनी भी होगी और जिससे कि उनका जीविकोपार्जन भी चलेगा, इसलिए इस प्रकार के आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए। और दुर्ग में यह बहुत ही अच्छा प्रयास है और यह दूसरी बार है जब जिस जो इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शनी लगवाया है। छत्तीसगढ़ सर्वजन विकास समिति राजनांदगांव जो कि भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त के द्वारा किया जा रहा है, जिनका सहयोग मिला है
ये आयोजन हम लोग विगत 19 वर्षों से कर रहे हैं और इस आयोजन में यह आयोजन जो 10 दिनों का रहेगा इसमें अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग शहरों से अलग अलग देशों से भी आए हुए कुछ शहरों से आए हुए हैं आर्टिजन जिसमें बैम्बू उडन टेराकोटा ड्राई फ्लावर्स चंदेरी साड़ी हो गया लखनवी चिकन हो गया इस टाइप के आयोजन किए जा इनके रुकने की व्यवस्था पूरा हमारी संस्था के द्वारा किया जाता है यहाँ पे रहना खाना पीने की व्यवस्था पूरी की जाती है और इनके साथ में हम लोग चाहते हैं कि जो कलाकार है जो बनाते हैं और हम चाहते हैं कलाकार जो बना कर सीधा हमारे ग्राहक से मिले ना कि दुकानदार को होलसेल में बेचे। भारत का रहने वाला हूँ और छत्तीसगढ़ में हाल में रहता हूँ। अब मैंने देखा यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ से संबंधित भारत से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं बिक रही है। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अपने लोकल कलाकारों को प्रोत्साहन देना और यहाँ जो भी ग्राहक बंधु आवे उनको कुछ सामान भी सस्ता मिलेगा इसमें और ग्राहक भी खुश दुकानदार भी खुश हम सब खुश बस यही होता है हमारे भारत देश की खास बात। वहीं इस क्राफ्ट बाजार में आम लोगों के लिए देश के विख्यात हस्तशिल्पों के उत्पाद जैसे कशीदाकारी बनारसी साड़ी जरी लखनवी चिकन वर्क चंदेली बाघ व डोकरा शिल्प कास्ट शिल्प बांस शिल्प सहित अन्य आकर्षक बहुउपयोगी सिर्फ सामग्री को लेकर देश भर से पहुंचे कलाकारों ने अपना स्टॉल दुर्ग के गोंडवाना भवन सिविल लाइन स्थित लगे क्राफ्ट बाजार 2023 में सजाया है। बहरहाल इस 10 दिवसीय लगे क्राफ्ट बाजार मेले में आप भी पहुंचे और अपनी मनपसंद खरीदारी करें जो कि बेहद किफायती दरों पर उपलब्ध है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।